तो यूट्यूबर आज की वीडियो में बात करने वाला है 2023 में यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस पे थंबनेल कैसे लगाएं। सो दोस्तों अभी के लिए मान लीजिए आप यूट्यूब पे जाते हैं, कोई भी शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, वहां पर थंबनेल लगाना चाहते हैं तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है यूट्यूब की तरफ से। लेकिन दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब चैनल लोगों कैसे लगाएं, उस पर मैंने थंबनेल लगाया है। वही तरीका आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में, किस तरीके से आप अपने शॉर्ट वीडियोज में थंबनेल लगाकर लाखों में व्यूज ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप मान लीजिए आपके वीडियो कितनी भी अच्छी हो, आपके वीडियोज पे अच्छा खासा थंबनेल नहीं लगा रहता है तो आप सभी को पता होगा वीडियोज पे व्यूज कितने आते हैं, सिर्फ 10 व्यूज 20 व्यूज, उससे ज्यादा व्यूज नहीं आते। क्योंकि दोस्तों आज के जमाने में अगर आप अच्छा खासा थंबनेल आपका शो नहीं होगा यूट्यूब पे जाकर तो आपके वीडियोज पे व्यूज बिल्कुल नहीं आएंगे। तो किस तरीके से शॉर्ट वीडियोज पे थंबनेल लगाना है इस वीडियो में फुल बताया हूं, तो इस वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो शुरू करने वाले हैं, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। आपको शॉर्ट वीडियोस पे थंबनेल लगाने के लिए सिंपली दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एक तो होगा आपका पिक्सल लैब एप्लीकेशन और दूसरा होगा काइनमास्टर। तो सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब से थंबनेल बनाना होगा। तो थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन का स्क्रीनशॉट ले लेना है कुछ इस प्रकार से, जिस तरीके से आप करने लिया है इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप चले आइए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए प्ले स्टोर से। इसके बाद इसे कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसे आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप आइए यहाँ इस वाले ऑप्शन पे। इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आएंगे इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर फ्रॉम गैलरी का सेक्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है इस रेशियो में इसे आपको यहाँ पर क्या करना है, सेव कर लेना है। कुछ इस रेशियो में ही यूट्यूब का जो थंबनेल होता है इस रेशियो में रहता है। तो काफ़ी लोग बोलेंगे भाई स्क्रीनशॉट के ऊपर तो फोटो दिख रहा है, लेकिन आप चाहे जो भी बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सेव में जाना होगा। सेव में जाने के बाद इतना बड़ा कर लीजिए जितना बड़ा ये है, आप कुछ इस प्रकार से कर लीजिए। इसके बाद नीचे आइए, नीचे आइए आपको यहाँ पर ग्रेडिएंट कलर दिख रहा है, इसे चेंज भी कर सकते हैं, सिंपल एक भी कलर में कर लेते हैं। अभी के लिए मान लीजिए मुझे ग्रेडिएंट कलर में करना है, ये वाला उस तरफ करना है, ये वाला ऊपर करना है, और आप चाहें तो जो भी कलर चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियोज़ के लिए पहले थंबनेल बनाना होगा, इसके बाद आपको लगाना होगा। तो मान लीजिए मुझे अब यहाँ पर इस तरीके से मैंने ग्रेडिएंट कलर चूज कर लिया। इसके बाद थंबनेल जो बनाने की बारी आती है, आप जिस टॉपिक पे वीडियोज बनाएं उसी टॉपिक का थंबनेल बना लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं थंबनेल बनाने वाला हूँ यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करें, तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर यूट्यूब का PNG लूँगा। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब का PNG ले लेता हूँ यहाँ पर सिंपली। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने YouTube का PNG सेलेक्ट कर लिया है, सबसे ऊपर YouTube का PNG रखूंगा। आपका जो भी मैटर उसे लिख सकते हैं, और नीचे आपको YouTube लिखना है, YouTube चैनल कैसे बनाएं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा YouTube। तो सिंपली मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ YouTube, आप भी अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं। मैं सारा लेटर कैपिटल रखने वाला हूँ। इसके बाद किस तरीके से आपको ऐड करना है वो भी बताने वाले हैं, आपको लाइव प्रूफ आपको वीडियो में ऐड करके दिखाने वाला। तो मैंने यूट्यूब लिख लिया यहाँ पर, सबसे ऊपर यूट्यूब रखूँगा। तो यूट्यूब रखूँगा इसका थंबनेल का। आप चाहें तो यहाँ पर आपने पिक्सल लैब से अगर थंबनेल बनाया होगा तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया होगा कुछ इस तरीके से सीख लीजिए किस तरीके से आप बना सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर यूट्यूब लिख दिया, यहाँ पर लोगो लगा दिया। इसके बाद नीचे लिखूँगा चैनल कैसे बनाएं कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले मैं इस जो ये वाला टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है इसे मैं यहाँ पर स्टॉक भर देता हूँ थोड़ा अच्छा लगे। इसके बाद सेकंड टैग लोग अगर मान लीजिए कोई टैक्स लेना है तो आप प्लस वाले आइकन पे जाइए, टैक्स ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर लिखिए जो भी लिखना है, तो मैं लिखना चाहता हूँ चैनल, यूट्यूब चैनल। तो सिंपली मैं यहाँ पर टाइप करूँगा चैनल कैसे, सिंपली मैं लिखूँगा पहले चैनल, इसके बाद लिखूँगा कैसे। क्योंकि दोस्तों आपको इस तरफ जो है 16:19 में आप थंबनेल बना रहे हैं तो आपको थोड़ा काफ़ी जगह मिल जाता है, तो आप आसान तरीके से एक एक वर्ड को यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं चैनल इतना बड़ा लिख दिया, इसके बाद आपको भी चैनल कुछ इस प्रकार से लिखना है। नीचे आपको लिखना है कैसे बनाएं, आप लास्ट में जाते जाते लिख दीजिए कैसे बनाएं। तो मैं यहाँ पर कैसे लिख देता हूँ, टाइप लिख के कैसे बनाएं। तो मैंने पहले कैसे लिख दिया, इसके बाद नीचे लिखूँगा बनाएं। तो मैं यहाँ पर फिर से इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, आपके पिक्सल लैब में जितना फॉन्ट होगा, मैंने फॉन्ट अलग से ऐड किया। अगर आप चाहते हैं अलग से फॉन्ट ऐड करना तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया कैसे बनाएं, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ना आपको यूट्यूब, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2023, यहाँ पर अभी बनाएं अब बनाए बाकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2023 लिख दूंगा जिससे मुझे क्लिक ज़्यादा मिले। और अभी आपको कलर भी चेंज करना है फॉन्ट का, तो सिंपली मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से आप फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे। थोड़ा सा टाइम लूँगा लेकिन एक एक चीज़ें आप सभी को समझा दूंगा किस तरीके से आप बना सकते हैं और किस तरीके से लगा सकते हैं उसमें थंबनेल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, चैनल को क्या कर देना है, यूट्यूब को सबसे पहले मैं रेट करूँगा
तो मैंने YouTube को रेड कर लिया, इसके बाद चैनल को मैं ब्लू करूँगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी कलर चाहिए, कैसे को मैं येलो कर दूँगा, बनाए को रेड कर दूँगा। इसके बाद मैं लिख दूँगा बनाएँ, सिंपली कैसे बनाएँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बनाएँ। यहाँ पर मैं लास्ट में टैग जो लूँगा बनाएँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया बनाएँ। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दूँगा और नीचे यहाँ पर इसे फिर से जाऊँगा यहाँ पर फॉन्ट वाले सेक्शन पर। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले लूँगा, इतना बड़ा कैसे बनाएं, सिंपली यहाँ पर लास्ट में कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो ये मेरा रहा क्या YouTube शॉर्ट वीडियोस का थंबनेल बन चुका है। अब क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा इसे सेव कर लूँगा। मान लीजिए आपको कोई भी स्क्रीन दिखा रहे हैं तो उस पर भी लिख सकते हैं स्क्रीन शॉट लेकर। सिंपली मैं इस थंबनेल को सेव कर लेता हूँ, किस तरीके से लगाना है वो समझ लीजिए आप। यहाँ पर सेव कर लिए हैं, इसके बाद मैं चले जाऊँगा बैक, यहाँ पर ऐड आ रहा है, ऐड को स्पीक करता हूँ, बैक आ जाता हूँ। इसके बाद आपको आ जाना है काइनमास्टर में, काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। काइनमास्टर को ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद 16:9 में वीडियोज़ को आपको क्या करना है, 16:9 इस पर वीडियो आपको एडिट करनी है। जैसे मान लीजिए मैं किसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैंने बताया यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो इस उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों सिंपली मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर लिया है, इसमें मैंने बताया यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो इसे मैं एडिट कर लिया हूँ अच्छी तरीके से। आप चाहें काइनमास्टर से जिस तरीके से एडिट करते हैं, अब जो पिक्चर आपने थंबनेल बनाया उसी को आपको यहाँ पर कहीं भी ऐड कर लेना है। मान लीजिए मैंने इसे एडिट कर लिया अच्छी तरीके से, इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा वॉइस बढ़ा देता हूँ, इसके बाद मैंने एडिट कर लिया है। मान लीजिए जो मेरा थंबनेल ले, आप चाहे जहां पर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको शुरू में ही ऐड करना है तो शुरू में आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा आप थोड़े समय के लिए। यहां पर आपको किस तरीके से ऐड करना है आपको बता देते हैं। वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद मीडिया वाले में ऑप्शन पे जाएंगे, लेयर वाले ऑप्शन पे, इसके बाद जाएंगे मीडिया पे, यहां पर आपको थंबनेल इसे चूज कर लेना है जो आपने थंबनेल बनाया है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर थंबनेल ले लिया है कुछ इस तरीके से, 2023 यूट्यूब पे आप लोगों 2023 यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, ये थंबनेल वाले ऑप्शन पे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप ये इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरफ करके सिर्फ इसे एक दो सेकेंड के लिए आपको रखना है। सिंपली आपको क्या करना है, एक दो सेकेंड के लिए रख देना है, और यहाँ से आप क्लिक करके इसे एनिमेशन बना सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा लगे। यहाँ पर एनिमेशन करने में पॉप वाला, जिससे कि जब वीडियो चले तो ऑटोमेटिक आपका ये थंबनेल थोड़ा थोड़ा समय के लिए शो होगा। जैसे देख रहे हैं ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा। तो सिंपली आप इसे क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। अभी लेकिन मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। इंपोर्ट करने के बाद किस तरीके से थंबनेल लगाना है यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करते समय, वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा सा समय मैं वेट कर लेता हूँ, तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपलोड करते समय किस तरीके से थंबनेल को लगा सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो इंपोर्ट हो चुकी है, सिंपली मैं बैक आ जाऊँगा। वीडियो इंपोर्ट हो चुकी है, सिंपली मैं यूट्यूब को ओपन करूँगा, इसके बाद यहाँ पर वीडियो को अपलोड करूँगा शॉर्ट वीडियोज पर। तो क्रिएट ए शॉर्ट का ऑप्शन जहाँ पर मिला है उसी पर आपको जाना है, और जो वीडियो आपने इंपोर्ट की ये वीडियो है मेरी। तो सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 15 सेकंड सेलेक्ट है, इसे मैं यहाँ पर कट करता हूँ। इसे यहाँ पर यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे जाता हूँ, क्रिएट ए शॉर्ट वाले पे पहले यहाँ पर शॉर्ट सेकंड ले लेता हूँ। इसके बाद मेरी 55 सेकंड की वीडियोज है, तो उस वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब बारी आती है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ड्रैग टू कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर डन कर देना है। डन करते समय आपको ध्यान देना है, डन करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, इसके बाद ही वाले ही स्टेप में आपको थंबनेल बनाना है। जो आपने वहाँ पर थंबनेल लगाया काइनमास्टर में अपनी वीडियोज़ पे, उसे ही यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जब भी आप वीडियोज़ को अपलोड करते समय सेलेक्ट करेंगे वो थंबनेल, तब जाकर आपके व्यूअर्स को वही थंबनेल दिखेगा, जिससे कि आपकी वीडियोज़ पे आसान तरीके से व्यू जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर यस वाले बटन पे क्लिक कर देना है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कर देंगे, इसके बाद बारी आती है यहाँ पर ये ऑप्शन जो देख रहे हैं पेंसिल का, यहाँ पर मान लीजिए जो भी आपका टाइटल उसे टाइप कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैसे बनाएं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2023 भी लिख देता हूँ, ये मान लीजिए मेरा टाइटल हो गया है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं पेंसिल वाले आइकन पे, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद ये जो ड्रैग, ये जो देख रहे हैं बॉक्स बना हुआ है, इसे मैं जैसे ही आप ड्रैग करते हुए इस तरफ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने थंबनेल लगाया था धीरे धीरे करके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, तो इसे आपको डन कर देना है। जैसे ही डन कर देंगे यहाँ पर, तो ये देख रहे हैं आपके शॉर्ट वीडियोज पे थंबनेल लग चुका है। सिंपली आपको क्या करना है, टाइटल मैंने पहले ही डाला था, यहाँ पर फिर से मैं टाइटल डाल दूंगा। इसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, वीडियोज़ को अपलोड कर दूंगा। चलिए मैं यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ एक बार, तो मैं यहाँ पर सिंपली वीडियोज़ को क्या करूँगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, यहाँ पर यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं,
यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसके बाद चाहूँ तो मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा, यही थंबनेल शो होगा। तो कुछ इसी प्रकार से आप अपने वीडियोस पे जो है यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस पे थंबनेल लगा सकते हैं आसान तरीके से। ये तरीका बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, इस तरीके से आप थंबनेल लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस से कैसे थंबनेल लगाते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों वीडियो रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।